उधर तो करेगा, इतना ज्यादा भारी है। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने पूजा पाठ किया है और यहाँ पे तुलसी माता में जल डालने आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपने ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया जाए अच्छे से, आज क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। सुबह से थोड़ी बारिश भी हुई है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मैंने कहा कि धूप होती है ना तो बिल्कुल नहीं मिल पता है कि रुको यहाँ पर छत पर, इस वजह से मैंने कहा कि करते हैं आप लोगों से। सो आज मैंने ये वाला सूट पहना, वो काफ़ी टाइम के बाद बोल रहा कि लाइट वेट थी, तो भी मैंने इसको सारा दिन मतलब उतारा ही नहीं, चेंज नहीं किया, मतलब उसी को पहन के रखा, फिर मैंने कहा आज इसको पहन लेती हूँ। वो कोई भी सूट है ना, आप डेली डेली पहनते रहो तो जी आपको ऊब जाता है, भले ही वो पुराना ना हो, मतलब डेली क्या, बीच बीच में तो और भी कई सारे सूट होते हैं और जब काफ़ी दिन के बाद आप पहनो ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही है, आप लोग बताना कमेंट करके आपके साथ ऐसा है कि नहीं है। और सिंदूर मैंने जो है ना आज सूखा वाला नहीं लगाया, बिकॉज जब किचन में काम करो ना तो इतनी गर्मी में इसे पसीने में जो है ना इसे ऐसे करके यहाँ तक आ जाए या फिर ऐसे करके यहाँ तक पूरा बह जाता है और वो जो है ना छूटता भी नहीं इतनी आसानी से। मतलब कल ऐसा हुआ था ना कि कल तो मतलब हमारे यहाँ साबुन वगैरह कोई यूज़ ही नहीं करता है थर्सडे की वजह से, मतलब मेरा व्रत रहता है तो ना तो कोई लहसुन प्याज खाता है ना कोई साबुन। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन के अब कर लेती हैं काम, मतलब मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं जो है ना आटा गूंथ लेती हूँ, क्योंकि आज बनाना है नाश्ते में पराठे बनाने हैं नमकीन वाले। तो रोज़ क्या बनाया है? देखो बाबू मेरी सो रही है, मम्मा उठा ली तो किसी छुनती नहीं, छुनती नहीं गन्नी ललकी। 4 बज गए बाबू, मतलब सो जाती ना तो इतना मतलब परेशान जाती, मैं उठाती रहती उठती ही नहीं है, इतनी बदमाश है। और जब सोने सुलाने को कहो सोने को तो कहेगी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही है, फिर शाम को उठाए नहीं उठती हैं। तो अभी 4 खैर अभी बजा नहीं है, कुछ टाइम है अभी 4 बजने में, मैं तो 3 ही बजे उठ गई थी, थोड़ी देर सो के खाना नहीं खाया था मैंने, तो मैं फटाक तुरंत किचन में ही गिरी जाके कि खाना खा लें। और मैंने जो है ना सुबह टाइम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा वो सूट किया था, उसके बाद मैंने मतलब याद ही नहीं रहा मुझे, मैं भूल गई कि मेरा ब्लॉग चल रहा था। अभी भी जस्ट याद आया कि मेरा ब्लॉग चल रहा था, चलो थोड़ा सा सूट कर लेते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। चलो नेल पॉलिश लगाते हैं, लेकिन नेल पॉलिश कोई है ही नहीं ढंग की, रेड कलर की वहाँ से मतलब मम्मी के लिए वो आई थी साड़ी, मेरे मतलब मायके से सासू माँ के लिए साड़ी आई थी, और वो साड़ी थी उसके साथ में मतलब वही सब सिंदूर बिंदी मेहंदी नेल पॉलिश ये सब था। तो मम्मी ने बोला कि मेहंदी और नेल पॉलिश तुम रख लो, हम क्या करेंगे, मतलब बिंदी सिंदूर उन्होंने ले लिया, साड़ी ले ली मतलब नहीं, और वो मुझे मिल नहीं रही नेल पॉलिश, मैंने कहाँ रख दिया है। और मैं उसी के चक्कर में थी कि वही लगा लेती, रेड कलर की थी, काफ़ी टाइम से मैंने रेड कलर की लगाई भी नहीं है तो मिल ही नहीं रही है। ग्रीन वाली रखी थी पहले की, लगाया तो वो मतलब चली नहीं, ज़्यादा दिन की हो जाती ना तो निकल जाती है तुरंत ही, वही वाला सीन हो गया। कैमरा गंदा था,
तो देखी भाई भूले कैसे करती मम्मा स्कूल से आके ऐसे कपड़े बड़े चेंज नहीं मतलब हर पल पल हर पल हर पल किसी के बिना पल हर पल हर पल जो है साथ में हिला मत शांति से लेटना तो लेटी रहो चिमटी लाई नहीं तेरे अपनी उससे ना दे नहीं रही क्या बोल भी नहीं रही है क्यों नहीं बोल रही क्या पूछ रहे हैं ये कौन सी बात होती दे रहे थे फिर लेना भूल गए देना नहीं भूल गई नहीं यही वाला कलर लगा लिया कोई बात नहीं तो हम कैंसिल कर रहे हैं मम्मा के साथ चालाकी नहीं मतलब मम्मा को क्या कैंसिल कर देंगे बस कर लो कर देंगे फिर कहो तुम एक बार और कर दो कि हम पहनेंगे नहीं ये नहीं बोलेंगे बाबू का तो भैया राजा आज क्या आने वाला है क्या आने वाला है बाबू का आज क्या आने वाला है घूर गई क्या क्या चश्मा और कुर्सी कुर्सी टेढ़ा है पर मेरा है ज्यादा नहीं बोलती तुम तुम डैडी का सीसी मुंह देखते दिखता है ऐसे देखो ना सामने से नेक्स्ट ही वाला हमको दे दे मैं जूठा देंगे यहाँ पे जो है ना बाबू की न्यू कुर्सी आई हुई है तो और चश्मा मतलब बिकॉज क्योंकि आई फ्लू चल रहा है ना तो मतलब स्कूल में बोला गया है कि मतलब सारे जो भी बच्चे हैं वो सारे चश्मा लगा के आए तो आज चश्मा उनके लिए आया है न्यू और न्यू कुर्सी आई है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं मतलब कुर्सी पहले थी छोटे में आई हुई थी तो वो टूट गई थी तो अभी दूसरी आई है वो मतलब यू तैयारी करके बैठी हुई हैं कि मैं ऐसे अपनी कुर्सी में बैठूँगी बैग अपना रखूँगी और ऐसे अपना होमवर्क किया करूँगी बहुत झुकना पड़ता है मुझे तो वही जो है अम्मा भी देख रही थी उनकी और मैंने जो है वीडियो बना लिया इनका रिकॉर्ड कर लिया चश्मा लगा के पढ़ाई करेंगी पहने तो अब क्या करना है तो गाइस बाबू जो है ना अभी मैंने देखा आप लोगों ने जैसे
बाबू कहीं बर्थडे पार्टी में, मतलब पास ही बगल में घर है, तो खाना वाना वो खा चुकी है। देन उसके बाद उन्होंने बुलाया, वही गई हुई है। और ब्लॉग मतलब जो है मैं एंड मैंने सोचा एंड कर देती हूँ आज के ब्लॉग में। मैंने सोचा था पता है जो साड़ियाँ वगैरह जो मुझे मिली ना मायके से वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं शेयर कर पाई। तो अब जो है मैं सोच रही हूँ कल जो है इसका ब्लॉग ही प्रॉपर बना लूँ एक सेपरेट, मतलब जिसमें दिखा दूँ ना, ऐसे ही ब्लॉग के चक्कर में नहीं हो पाता है फिर। तो आई होप आप लोग को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।